वसई विरार में रिक्शा चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में विरार यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक एमके सूर्यवंशी ने तुलिंज थाने में पुलिस हवलदार मोड़ से संपर्क किया और बताया कि कुछ लोग फर्जी नंबर प्लेट लगाकर रिक्शा चला रहे हैं। उक्त रिक्शे के बारे में सूचना मिलने पर तुलिंज थाने में मामला दर्ज किया गया। बताया कि उस समय हवलदार मोरे व अन्य कर्मचारियों ने जाकर उक्त स्थान का निरीक्षण किया। चोरी किया गया रिक्शा शीश कुमार गुप्ता के पास से बरामद कर लिया गया। वहीं पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि उक्त रिक्शा उसने अपने मित्र प्रकाश त्रिवेदी से लिया था। उसने और उसके मित्र ने दो रिक्शा चुरा लिए। राकेश ने कहा कि वो विरार के रिक्शा चालकों को बेचता है। उसके बाद तुरंत हवलदार मोरे सहित परिवहन शाखा के कर्मचारी दोनों ने मिलकर दो अन्य रिक्शा को कब्जे में लिया और उक्त रिक्शे के 33 नंबर की जानकारी हासिल की। ज्ञात हो कि उक्त रिक्शे को लेकर तुलिंज व विरार थाने में मामला दर्ज किया गया। उक्त रिक्शे के पंचनामा द्वारा आरोपी शीश कुमार को उक्त रिक्शा जब्त कर गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध की जांच के दौरान शीश कुमार साथी प्रकाश त्रिवेदी उर्फ मारवाड़ी को तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से ट्रेस किया गया और मुंबई अंधेरी से गिरफ्तार किया गया। जब उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने तीन रिक्शे के अलावा एक अन्य रिक्शा व एक पल्सर मोटरसाइकिल चोरी होने का खुलासा किया है। पुलिस ने चार रिक्शे के साथ साथ पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। वहीं इस मामले में आरोपी शिव कुमार हरिहर गुप्ता और प्रकाश पोतराज त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है। वहीं कुल पांच अपराधों का खुलासा किया गया। नाला सुपारा से मयंक रावत की रिपोर्ट।